सुटेक फैमिली, आज हम बात करेंगे टॉप बेस्ट लैपटॉप की, जो कि आप 40,000 के प्राइस रेंज में ये लैपटॉप बाय कर सकते हो अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो। अगर आप स्टूडेंट हो, ऑफिस वर्क के लिए चाहिए, बिजनेस के लिए चाहिए, कोडिंग करनी है, प्रोग्रामिंग करनी है, हर एक कैटेगरी के अकॉर्डिंग मैं आज आपको लैपटॉप बताने वाला हूँ। तो अभी बात करते हैं नंबर 3 की। नंबर 3 की बात करूं, नंबर 3 पे यार मैंने रखा है HP की ओर से लैपटॉप। मैं बात करूं HP 15S की, तो सबसे पहले बता दूं, बहुत ऐसे मैसेजेस आते हैं जिनको भाई HP का लैपटॉप चाहिए होता है। मैं हर एक वीडियो में ये चीज़ बोलता हूं, बिकॉज सबसे ज़्यादा इंस्टाग्राम पे DM यही आते हैं कि भाई मेरे को HP या डेल का लैपटॉप बता दो। तो इसीलिए मैंने नंबर 3 पर रखा है HP 15S को। अगर इस लैपटॉप की बात करूं, ये लैपटॉप आपको 40,000 से लेके 43,000 के प्राइस रेंज में अप्रॉक्स देखने को मिलता है। 40,000 के प्राइस रेंज में ये स्पेसिफिकेशन मिल जाते हैं, आपको सर्च आउट करते रहना पड़ेगा। 15.6 इंच के साथ आपको डिस्प्ले देखने को मिलेगी, फुल HD डिस्प्ले है, 250 निट्स बैटरी के साथ, i3 11th जनरेशन प्रोसेसर मिलेगा 2 कोर के साथ, इसीलिए इसको नंबर 3 पर रखा है। याद रखना, ये 2 कोर के साथ CPU देखने को मिलता है। 8GB रैम है, 16GB रैम अपग्रेड कर सकते हो, 512GB आपको SSD मिलेगी, इंटेल अल्ट्रा HD GPU देखने को मिलेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो 11 2021 आपको MS Office मिलेगा, पोर्ट्स की दिक्कत नहीं आएगी, अलेक्सा बटन मिल जाता है, ब्लूटूथ वर्जन 5.0 देखने को मिलेगा, एंड ये लैपटॉप डुअल स्पीकर्स के साथ देखने को मिल जाता है। तो इसके स्पेसिफिकेशन यार इतने नहीं अच्छे, इसका CPU जो 2 कोर के साथ देखने को मिलता है वो भी 40,000 के प्राइस रेंज में। अगर मेरा बजट 40,000 होता, मैं इस लैपटॉप की ओर बिल्कुल भी नहीं जाता। अगर आपको HP का लैपटॉप चाहिए आप जा सकते हो, लेकिन मेरी ओर से रिकमेंड बिल्कुल भी नहीं है। आगे बात करते हैं नंबर 2 की। नंबर 2 की बात करूं, नंबर 2 पे यार मैंने रखा है ASUS VIVOBOOK ULTRA K14 को। अगर इस लैपटॉप की बात करूं, मैं आपको ये लैपटॉप सच में रेकमेंड कर सकता हूं, बिकॉज इसके स्पेसिफिकेशन बहुत अच्छे हैं, इसका लुक, इसका डिज़ाइन, एंड ASUS एक ट्रस्टेड ब्रांड है। ये स्टूडेंट्स के लिए, ऑफिस वर्क के लिए, बिजनेस के लिए, कोडिंग के लिए, प्रोग्रामिंग के लिए, एनिमेशन, फोटोशॉप, कॉरल ड्रॉ वगैरह भी अगर आपने यूज़ करना है तो भाई यूज़ कर सकते हो, दिक्कत नहीं आएगी। 14 इंच के साथ आपको फुल HD डिस्प्ले मिलेगी, 16 रिफ्रेशर के साथ, i3 11th जनरेशन के साथ CPU देखने को मिलेगा, 4 कोर का CPU है, 8GB रैम है, 512GB आपको SSD देखने को मिलेगी, प्लस SSD स्लॉट भी मिल जाती है तो इंक्रीज कर सकते हो, इंटेल अल्ट्रा GPU देखने को मिलेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो 11 2021 आपको MS Office देखने को मिलेगा, पोर्ट्स की दिक्कत नहीं आएगी, 720p वेब कैमरा, Wi-Fi 6 पोर्ट, ब्लूटूथ वर्जन आपको 5.0 देखने को मिलेगा, बैकलिट कीबोर्ड के साथ देखने को मिल जाता है, एंड मैंने आपको पहले भी बता दिया एवरीडे यूज करने के लिए, एंड अगर आपको स्टाइलिश लैपटॉप चाहिए ना तो भाई आप इसी लैपटॉप की ओर जाना। बाइंग लिंक सभी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप चेकआउट जरूर करना। आगे बात करते हैं नंबर 1 की। नंबर 1 की बात करूं, नंबर 1 पे यार जो मैंने लैपटॉप रखा है, सबसे पहले बता दूं मैंने रखा है यार MSI मॉडर्न 14 को। अगर मेरा बजट भी होता 40,000, या 40,000 से अगर मैं 2-3 हज़ार एक्स्ट्रा पे कर सकता तो भाई मैं इसी लैपटॉप की ओर जाता। मैं आप सभी बंदों को यही बोलूंगा कि भाई आप इसी लैपटॉप की ओर जाओ, बिकॉज इसके स्पेसिफिकेशन बहुत अच्छे हैं, एंड ये लैपटॉप आपको 43,000 के प्राइस रेंज में मिलता है। अपने प्राइस रेंज से ऊपर चला जाता है, लेकिन अगर आप 3,000 एक्स्ट्रा पे करते हो भाई, अगर आपने 3-4 या 5 साल भी लैपटॉप को यूज़ करना है, आप यूज़ कर सकते हो। मैं क्यों कह रहा हूँ, स्पेसिफिकेशन सुन लो, पता चल जाएगा। बात करते हैं स्पेसिफिकेशन की, आपको 14 इंच के साथ फुल HD डिस्प्ले मिलेगी, 16 रिफ्रेश के साथ, AMD Ryzen 5 प्रोसेसर मिलेगा 5500U के साथ, जो कि 6 कोर का प्रोसेसर है भाई, 8GB रैम है, 64GB रैम अपग्रेड कर सकते हो, 512GB आपको SSD देखने को मिलेगी, तो CPU पावरफुल होने वाला है, रैम अपग्रेड करने का ऑप्शन 64GB मिल जाता है, प्लस पॉइंट है, AMD Radeon GPU देखने को मिलेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो 11, पोर्ट्स की दिक्कत नहीं आएगी, कार्बन ग्रे कलर में देखने को मिलता है, Wi-Fi 6 की सपोर्ट, ब्लूटूथ वर्जन आपको 5.0 देखने को मिल जाता है, 720p वेब कैमरा, बैकलाइट कीबोर्ड के साथ मिलेगा, एंड ये लैपटॉप मिलिट्री ग्रेड सर्टिफाइड देखने को मिल जाता है। तो यार मेन स्पेसिफिकेशन MSI मॉडर्न 14 के मैंने आपको बता दिए। मैंने आपको ये भी बता दिया, अगर मेरा बजट होता ना भी इतना तो मैं इसी लैपटॉप की ओर जाता, और किसी लैपटॉप की ओर मैं नहीं जाता, बिकॉज इसके स्पेसिफिकेशन अच्छे हैं, लुक डिज़ाइन वगैरह सच में बहुत अपर है यार। एंड मैं आपको यही बोलूँगा, इन तीनों में से जो बाय करना चाहते हो आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना, मैंने अपनी ओर से आपको राय दे दी है, लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी कुछ दे दिया है। तो यार मेरी वीडियो अभी यहीं पर हो जाती है खत्म। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई वीडियो के साथ। थैंक यू।